ज्वाइंट ग्रुप ऑफ श्रीजी ब्यावर और रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के रक्तवीरों ने पीड़ित मानवता के सेवार्थ रक्तदान किया। श्रीजी अध्यक्ष जानवी भारवानी ने बताया कि ज्वाइंट ग्रुप ऑफ वर्ल्ड के फाउंडर प्रेसिडेंट चूड़ासामा के 91वें जन्मदिन को समर्पित विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सचिव राजेश राखा ने बताया कि इस दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, कांग्रेस जिला सेवा दल अध्यक्ष विक्रम सोनी तथा सेवा दल प्रदेश महासचिव सोहन मेवाड़ा ने अतिथियों के रूप में शिरकत की। इस मौके पर अतिथियों का माला तथा उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम संयोजक हरीश साकला ने सभी रक्तदाताओं और कर्मवीरों का धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही सभी रक्तवीरों को मानव जीवन बचाने के लिए किए गए रक्तदान हेतु संस्था की ओर से उपरना और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संस्था ने रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन संस्था का भी आभार जताया। रक्तदान शिविर के दौरान सुरेश राका, नरेश भारवानी, कुसुम रंका, महेंद्र छाचेड़, सोनिका छाचेड़, अशोक बाबेल, सुमन छाचेड़, अजय अजमेरा, अशोक मुंद्रा, अरविंद माथुर, गोपाल साकला, जेकी साहू, शैलेंद्र साकला, चेतन बंजारा, रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन से मिक्की सलूजा, स्टाफ सदस्यों में से रसिक बिहारी, लक्ष्मण सैनी, दिनेश भाटी तथा महंत अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। जॉइंट ग्रुप ऑफ श्रीजी ब्यावर जो समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, वह महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दिए हुए है। आज हमारे वर्ल्ड फाउंडर श्री चूड़ासामा जी के 91वें जन्मदिवस के अवसर पर श्रीजी ग्रुप की तरफ से कैंप किया गया, ब्लड डोनेशन कैंप किया गया। पिछले साल भी हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ श्रीजी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता रहा है और इस बार ब्लड डोनेशन कैंप के लिए भी उन्होंने कार्य किया है। और आगे समाज में हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार हम अपना योगदान दे रहे हैं, आपसे भी उसी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हमारे सभी मेंबर्स को, रक्तदाताओं को, समाज के सभी वर्गों को, हमारे अतिथियों को, सभी को आभार व्यक्त करता है जॉइंट ग्रुप ऑफ श्री जी, और आगे भी उनसे जुड़े रहने की अपेक्षा, प्रार्थना और सहयोग चाहता है।